प्रिय साथियों नमस्कार। मैं आपको ये पुष्प दिखा रहा हूँ, इसका उद्देश्य है कि ब्रह्मांड से लेके तारों से लेके ब्लैक होल से लेके तारों से लेके और ग्रहों से और फिर इस तरह से एक रॉकी प्लेनेट पृथ्वी जैसे एक रॉकी प्लेनेट में किस तरह से ये ट्विस्टिंग हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर आया। ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग देख करके आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में कोई विशाल अस्तित्व रखने वाली एक ज्यामितीय आकृति है। इस पुष्प को देखिए कितना ट्विस्ट हो रहा है। ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप को देख करके स्ट्रक्चर को देख के आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि आखिर ये ट्विस्टिंग कहाँ से आता है, क्यों आता है। इस पुष्प को देखिए फ्रॉम यूनिवर्स टू ब्लैक होल, ब्लैक होल टू स्टार एंड गैलेक्सी नेबुला एंड फ्रॉम सन टू जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून एंड फाइनली और अर्थ। इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड के विशाल एक जर्नी ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस, जर्नी ऑफ ए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, वो इस तरह से अंततः हमारे इस पृथ्वी ग्रह के लिविंग्स में पेड़ पौधों जीव जंतुओं सभी में प्रकट हुआ। इस प्रकार की ज्योमेट्रिकल शेप से आप क्या कह सकते हैं। देखिए ये ट्विस्टिंग कैसे, ये इस प्रकार से ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग क्या पृथ्वी के किसी भौगोलिक गुण के कारण ही आया। धन्यवाद।